नमस्कार, मैं डॉक्टर साहिल रोमित्रा, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। आज हम बात करेंगे हर्निया के रिगार्डिंग। हर्निया एक ऐसा रोग है जहाँ पे आंते जो हैं वो बाहर की तरफ आती हैं। हर्नियास जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल हर्नियास एंड इंटरनल हर्नियास। एक्सटर्नल हर्नियास जो हैं वो फर्दर डिवाइड किया गया है इंग्वाइनल हर्नियास में अम्ब्लाइकल हर्निया, वेंट्रल हर्नियास एंड इंसीजनल हर्नियास। जो हर्निया है इसमें बेसिकली पेशेंट्स कंप्लेन करके आते हैं स्वेलिंग ग्रोइन रीजन में एंड पेन। और अगर हम बात करें तो हर्नियास जो हैं ये चार स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं। स्टेज वन इज रिड्यूसेबल, स्टेज टू इज इरिड्यूसेबल, स्टेज थ्री इज ऑब्स्ट्रक्टेड हर्नियास एंड स्टेज फोर इज ट्रैंगुलेटेड हर्नियास। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो हर्निया जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर और एज ए ओपन प्रोसीजर। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमें क्यों करनी है, क्या फायदे हैं? लेप्रोस्कोपी इसलिए अच्छी रहती है कि एक तो फास्ट रिकवरी रहती है और पेशेंट जो है अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज जल्दी कर सकते हैं, पेन फ्री प्रोसीजर्स हैं और इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है एज कम्पेयर टू ओपन हर्निया सर्जरी। थैंक यू।